कंप्लेन लेके गए, आज तक किसी ने नहीं सुनी। कौन बोलेगा यहाँ पर सच? किसको शिकायत करे पब्लिक? ये जुर्माना आप जो डाले सही करे गलत करे? कवरेज भी करे हम, तुम आएंगे कहाँ से? लिस्ट मांगो तो लिस्ट कोई दे देगा, नाम नहीं लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कहें तो किससे कि आज के इस एपिसोड में हम कुछ तब बात करेंगे पानी के मसाइल के हवाले से। कराची में गुज़िश्ता कई दिनों से पानी की अदम फराहमी की वजह से लोग इस वक्त सख्त इश्तियाल में मुब्तला हैं, सख्त परेशानी का शिकार है, अजियत का शिकार है। रमजान मुबारक से पहले से ही लोगों को परेशानी है पानी ना आने की वजह से। और जब वाटर बोर्ड के सिलसिले में बात की जाती है कि कुछ इलाकों में किस लिए पानी जो है वो बंद किया गया है या वहाँ पर पानी क्यों नहीं रोजाना की बुनियाद पर फराहम किया जा रहा ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके, तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि केएससी की जानिब से बिला तातुल जो है वो केसी जानिब से गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की वजह से वाटर बोर्ड को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी मशीनरी खराब हो जाती है, उनके पंप्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कराची के बाद इलाके जो है वो पानी की वहां पर अदम फराहमी की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आज हम मौजूद हैं इस वक्त कराची के इलाके केबीआर सोसाइटी में और यहाँ पर भी गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि गुज़िश्ता कई माह से पानी की अदम फराहमी की वजह से लोगों में सख्त इश्तियाल पाया जाता है और इनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द इनके इस मसले को हल किया जाए ताकि जो पानी की फराहमी है उसको मुमकिन बनाया जा सके और लोग अपने रोजमर्रा की जो मामूलात हैं उनको बहाल रख सके। हम आज यहाँ मौजूद हैं केबीआर सोसाइटी में, हमारे साथ यहाँ की पब्लिक मौजूद है। सर कितना अर्सा हो गया यहाँ पर, कब से पानी नहीं आ रहा? ये अर्सा तो खैर काफी तकरीबन 7-8 साल हो गए पानी वक्फे से छोड़ते हैं, लेकिन अब तकरीबन रमजान शरीफ में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। इसी तरीके से तकरीबन हर रमजान शरीफ में पानी रोक दिया जाता है। अब किसी के पास शिकायत करने जाए तो बोलते हैं जी हमारे ऑफिस आए तो हमें पानी खुलवा देंगे। मकसद मुख्तलिफ मकसद जो लीडर रहेंगे वो कहना चाहते हैं भी हमारे जो आपके इलाके की इंतजामिया है उनका ये कहना है कि दफातर में आकर शिकायत दर्ज कराएंगे तो पानी खोल। हाँ तो कुछ लोग जाते हैं तो बोलते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं आता। रोजाना की बुनियाद पे पानी नहीं आता? नहीं बिल्कुल, रोजाना क्या मकसद, अब तो हम तरस गए हैं पानी के लिए। तकरीबन 6 महीने से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अब पानी आने की सूरत में ये है ना पानी आ भी रहा है, कभी छोड़ देते हैं तो पानी ऐसा गंदा पानी आता है या पता नहीं जानबूझ के छोड़ते हैं या खराब पानी जो लाइनें मिली हुई होती हैं गटर की बिल्कुल काला पानी आता है। हाँ मैंने एक साहब को मकसद साबी का नाजिम साहब थे उनको मैंने चेक भी कराया था, मैंने जब उसका ढक्कन खोला तो मकसद तकरीबन 5-6 फीट दूर हट गए। तो हम लोग पानी पीते हैं मतलब वो बदबूदार और गलीस पानी जो है वो यहाँ की केबीआर सोसाइटी के मशीनों को वो इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। अच्छा जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ जाके आपने पता किया कि किस लिए पानी नहीं खोला जा रहा है, क्या वजह है? तो वो बोलते हैं कि पानी आ जाएगा, बस कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं आता। ये गरीब लोगों के बच्चे ना पानी भरते उन लोगों को बताए, उन लोगों की माँ बेटियाँ पानी भरे उन लोगों को एहसास होता है, फिर उन लोगों को एहसास होता है। हम लोगों को हमारे बारे में वो लोग नहीं सोचते, वो सोचते हमारे लोगों में हमारे बारे में सोचे ना फिर लोगों को एहसास होगा, हमारे बारे में नहीं सोचते, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अच्छा इतने अर्से से पानी नहीं आ रहा तो यहाँ पे गुजारा किस तरह से हो रहा है? अभी LMLA ने मिलजुल के जो है ना LMLA ने मिलजुल के अभी टैंकर मंगाया था तो टैंकर अभी टाइम पे पहुँच नहीं सका है यहाँ पे। तो ये तकरीबन 100-150 बच्चे जो छोटे बैठे हैं ना ये उसी का इंतजार कर रहे हैं, पानी आएगा तो लेके जाएंगे ये टैंकर। वो सब इलाका मकीन पैसे मिला के टैंकर मंगाते हैं और उसमें से कुछ बोतलें और बर्तन टैंकर आता है 700 रुपए का टैंकर आता है पानी का, अभी डलवाया है आधा टैंकर 750 रुपए का। कितने दिन इस्तेमाल होता है वो? बहुत मुश्किल से 10 दिन इस्तेमाल होता है। 10 दिन इस्तेमाल होता है वो? कितने लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वो 700 रुपए? ये तकरीबन आधे घंटे में सारा खत्म हो जाता है। टैक्सी में पानी लेके आए? टैक्सी लेके हम लेकर आएंगे। आप लेकर आए टैक्सी में? कहाँ से लेकर? गुलबर्ग से। गुलबर्ग से पानी लेकर? गाड़ी नल लगा हुआ है? रिश्तेदार के घर से। रिश्तेदार के घर से लेकर आए? यहाँ पर मैंने हमें 1.5-2 साल से ज्यादा हो गया। कोई मसला हल नहीं किया जो आपके इलाके की इंतजामिया अहदेदार है वो मसला क्यों नहीं हल कर? उनका तो कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, तसल्ली देंगे। हाँ बस उसके बाद हम बैठे हैं घर पे, पानी आज तक तो आया नहीं। अच्छा जो यहाँ की इंतजामिया है जो सरबरा है उनके घरों पे पानी आ रहा है क्या? वो कहते हैं हमारे यहाँ भी नहीं आ रहा पानी, हम क्या करें। इस वक्त हम कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के एक पंपिंग स्टेशन पर आए हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए कि यहाँ पर इलाकों में घरों तक पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या प्रोसीजर है, पंपिंग स्टेशन तक पानी किस तरह से पहुँचता है और यहाँ से लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने का क्या प्रोसीजर है। इस हवाले से हम कुछ मजीद डिस्क्रिप्शन लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो अमला मौजूद है उससे बात करेंगे कि किस तरह से पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाती है। ये गुलशनबाग टाउन का 60% एरियाज को कैटर करता है और इसमें ब्लॉक 6, 7,
ब्लॉक 4, 4A, ब्लॉक 11, ब्लॉक 3, ब्लॉक 10, 10A, गुलशन जमाल, ब्लॉक 19 और अस्करी 4। ये बड़े बड़े एरियाज हैं, इन सबको ये जो है पानी सप्लाई करता है। मेन ये बेसिकली मेन मदर फीडिंग स्टेशन है, यहाँ पर मदर फीडिंग स्टेशन है। यहाँ का जो मेन सोर्स है वो हमारे इंडस सोर्स है। अच्छा, वाया वही दाबेची, देन पिपरी और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कराची, नॉर्थ दरियाए सिंध से धाबेजी पिपरी और फिर इन सब से कुछ होता हुआ उस होते हुए फिर एनी के नॉर्थ ईस्ट कराची फिल्टर प्लांट, जिसको हम K3 और K2 कहते हैं, वहाँ से होते हुए फिर पानी सप्लाई होता है निपा पंप के ऊपर। निपा पंप से फिर हम यहाँ से अपनी फर्दर के डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे जारी रखते हैं। अक्सर आपको जो अभी धाबेजी पे कोई ऐसा बिजली का ब्रेकडाउन आता है जो पिछले दिनों तवातुर के साथ फ्रिक्वेंटली आपकी बात आ रहा, उसकी वजह से पूरी सप्लाई हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब रही। अच्छा, बेसिकली आपके होता ये है कि ना, जब धाबेजी पे कोई आपके सैग आता है तो उसका डेफिनेटली इंपैक्ट आता है नॉर्थ ईस्ट कराची पे, नॉर्थ ईस्ट कराची से फिर फर्दर आपको जो यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर धाबेजी पे अगर एक घंटे अगर बिजली आपको जो है वो जाती है तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको जो है वो इसको दोबारा रेस्टोर होने में लगता है। हमारी मेन लाइनों में एक लेवल मेंटेन होता है, वो लेवल अगर आता है तो फिर यहाँ पर हमारे टैंक जो सम्स है यहाँ पर बने हुए अंडरग्राउंड टैंक, उससे पानी आता है। जब यहाँ पर यहाँ से 2 मोटर हम उसको रन करते हैं यहाँ से चलाने के लिए, 125 हॉर्स पावर की एक मोटर हमारे यहाँ पास इंस्टॉल है, एटलीस्ट 3 है, एक स्टैंड बाई है, बाकी 2 जो आपके सम चलाते हैं। तो 2 आपको जब चलाते हैं तो उससे ये होता है कि एरियाज काफी हम इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन जरा सा भी अगर जो पीछे अगर ब्रेकडाउन अगर आता है बल्क की सप्लाई में या बिजली के तातुल वजह से, अक्सर आपके बिजली के शॉर्टफॉल की वजह से या बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से ये आपके जो सिलसिला जो ब्रेकडाउन हो जाता है सारा। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें बताएगा, ये जो पंपिंग स्टेशन पे हम देख रहे हैं आपकी ये सारी मशीनरी लगी है और ये मोटरें वगैरह काम कर रही हैं, तो ये जो आपने जिस तरह बताया कि दरियाए सिंध से धाबेजी और पिपरी और K2 K3 से होता हुआ पानी यहाँ तक पहुँचता है, तो फिर इसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद क्या प्रोसीजर होता है जो लाइनों से मेन लाइनों से पानी आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी एक लाइन है, उसको हम 66 इंच जाएगी, 66 इंच जाएगी एक लाइन है, वो फिर फर्दर रिड्यूस होते हुए 48 इंच डाय हो जाती है। उसके बाद इससे एक 18 इंच का कनेक्शन, 18 इंच डाय कनेक्शन, वो हम अंडर टॉन्ग में हमने उसको लेकर आए अंडरग्राउंड टैंक के अंदर, वो हम आपको दिखा भी देंगे कि उसके अंदर पानी आ रहा है। ये इस अंडरग्राउंड टैंक के अंदर पानी जमा होता है, एक्यूमुलेट होकर यहाँ से हम इसको जो पंप करते हैं। अच्छा, ये एक पंप लगा हुआ है 125 हॉर्स पावर का एक पंप है, और इस जो हेड है वो 150 हेड तक तो पहुंच जाता है, ये 150 हेड का इसका हेड है, मतलब इसका मार्क जो है काफी हद तक है। मतलब यार इसने यहाँ से तकरीबन हम जो है 2.5 से 3 किलोमीटर दूर हम खड़े हुए हैं अस्करी 4, तो ये अस्करी 4 तक ये मार्क कर देगा ये। हाँ, ये पंपिंग जो है, जबकि बीच में अलादीन के पास एक हम सा आता है, उस हम को भी क्रॉस करते हुए ये दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ कोने पे अस्करी 4 तक ये मार्क कर देगा। बल्कि इवन ये कि ना, अगर गुलशन जमाल भी आप देखें, आप गुलशन जमाल जो है और फादर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो आपके वहां तक पानी पहुंच जाता है वहां पर। आप लोग क्या समझते हैं पानी क्यों नहीं आ रहा? वाटर बोर्ड जो है उसके पास पानी नहीं है, पंपिंग स्टेशन नहीं चल रहे, या क्या वजह है? या KSC जो है वो पंपिंग स्टेशन को बिजली नहीं? ये ना आप लोग मसला हल कर सकते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात हम कह नहीं सकते, आप समझ रहे हैं, सब तकरीबन सबको ही मालूम है। लेकिन हम पानी लाने की सूरत में भी एक साहब हैंगे जो पानी देते हैं यहाँ पे, वो एक पानी का वाल खोल देते हैं तो पानी आ जाता है, नहीं तो अगर ईद के ऊपर ना तकरीबन 2-3 दिन जो है ना सब परेशान रहे। अच्छा, क्या मतलब पंपिंग स्टेशन जो है वो बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई अमला मौजूद नहीं? बिल्कुल नहीं पानी आया यहाँ, पिछली ईद के ऊपर जो आया था उससे अभी तक नहीं आया है, पंपिंग स्टेशन ही बंद पड़ा है। हाँ, बंद पड़ा है, छोड़ दे ही नहीं पानी आगे आगे जॉइन करने के लिए बोलते हैं, अभी कल कर रहा है, परसों कर रहा है, कल कर रहा है, परसों कर रहा है, खाली कनेक्शन करना है, आ ही नहीं रहा पानी, बिल्कुल नहीं आ रहा। पता नहीं कितनी मर्तबा जाते हैं, नहीं वो खोलते नहीं, अपनी बात मानते, किसी की बात मानते, हम गरीबों की बात माने तो उन लोगों के साथ वो उनको अपने। अब तक किसको शिकायत दर्ज कराई, कितनी कंप्लेन हो चुकी है, किससे कहा है की इस इलाके में इतने अच्छे से पानी का मतलब? अब तो कंप्लेन कर करके हम तंग आ गए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई भी है, नजीर लखानी साहब है, उनको मैंने खुद जाके उनके ऑफिस में जाके उनको रिक्वेस्ट करी, मैंने 2 से 3 दफा राशि उनके पिए हैं, उनको ही मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कोई इसका मतलब हल नहीं हुआ।
अभी मैं परसों की बात है, परसों भी मैंने उनको बोला है टाउन में जाके, यहाँ पे यूसुफ प्लाजा की वेबसाइट पे, वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। मैंने फोन इतने किए, नंबर लिए, मैं एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से फोन कर रहा हूँ उनको, रोज आना डेली, आज आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, दो घंटे में आ रहे हैं, इसका कोई हल नहीं। अच्छा, क्या मतलब लाइनें पानी की खराब है, टूटी हुई है या पीछे से? तकरीबन 20 साल हो गए, 15 से 20 साल हो गए, अभी तक कोई नई लाइन नहीं डली है और ना कोई सेवरेज का निदान है। सेवरेज के लोग भी कुछ अपनी आना आपके तहत मदद के तहत खुद लोग करते हैं। और इस वक्त हम आए हैं चीफ इंजीनियर इफ्तिखार अहमद साहब के पास, और KSC और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के दरमियान बिजली की अदम फरहमी के हवाले से या बिजली को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे कि इस वक्त घारो, धाबीजी और पिप्टी पंपिंग स्टेशन पर जो सिंध हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद बिजली की फराहमी में मौतली हो रही है, बिजली की फराहमी का तातुल यकीनी नहीं बनाया जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? क्या KSC वाकई गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, या जो KSC का मौकफ है कि इनके वाटर बोर्ड वालों के केबल्स जो है वो इतने पुराने हो चुके हैं कि वो केबल फॉल्ट की वजह से बिजली की जो है वो फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकती और इसकी वजह से ही बिजली बार बार इंटरप्ट हो रही है, और लोड शेडिंग का कहा जा रहा है कि KSC शायद लोड शेडिंग कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोड शेडिंग से मुकम्मल तौर पर वाटर बोर्ड को इस्तिस्ना हासिल है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक KSC का ये कहना है कि हम किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि शायद इनके केबल फॉल्ट हैं जिसकी वजह से इनको बिजली की फराहमी जो है उसमें तातुल पैदा हो रहा है। कि अभी गुज़िश्ता कई दिनों से पानी की काफी ज्यादा इश्यूज हैं, पब्लिक को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है ये मुश्किलात, क्या KSC घारो, धाबीजी, पिपिक पंपिंग स्टेशन पे कितनी देर की लोड शेडिंग कर रही है और क्या वजह है? KSC का मौकफ ये है कि वो लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जबकि वहाँ पर केबल फॉल्ट और दूसरी मतलब उनकी प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आती है, केबल्स में फॉल्ट भी आते हैं जब एक मशीनरी या कोई भी चीज चलती है उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाए, तो जाहिर है कि वो सस्टेनेबल सप्लाई, वाटर सप्लाई जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रही। हम मतलब रेगुलर सप्लाई हमारा जो पानी है वो ढाबे चीज से 550 MGD पंप करते हैं, वहाँ से हम जीरो लेवल से, क्योंकि दरिया सिंह का जो पानी आता है वो हम जीरो लेवल से अप टू 212 फीट की बुलंदी तक लेके जाते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स से कराची पानी आता है। तकरीबन ओवरऑल हम जब चिलिया से पानी लेते हैं कल्ली झील से, वो पानी तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय करके कराची पहुंचता है। जब पंपिंग बंद हो जाती है तमाम, वहाँ बड़े हैवी पंप से मेगा पंप बना हुआ है वो धाबी जी का, और मैं समझता हूँ कि एशिया के बड़े पंप में शुमार होता है उसका, तो उसमें चाहिए बहुत ज़्यादा बिजली भी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब लोड लग चाहिए वहाँ पे बिजली का, तो जब वो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो वो मामला जो है ना, जाने से जब गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है इस तरह से, तो वो पंप बंद हो जाते हैं, उनका जो भी केबल फॉल्ट समझ लें या क्या कहें कि वो जो होता है तो वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये पहले होता था कभी कभार महीने में कोई बस इन्हें ब्लू मून हो जाता था, लेकिन अब जो है वो फ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब तो एक दिन के बाद आपने देखा होगा, परसों भी हुआ, फिर आज हो गया, कल भी हुआ, और रात से भी एक पिपली की मेरे ख्याल से पिपली पे रात से 5 मरतबा लाइट जा चुकी है, और आइए दोबारा तो सब सिस्टम हौश पौश हुआ, उनकी मशीनरी तबाह हो गई। पर ये पानी मतलब तो लोग मंगवाते होंगे ना पानी, तो ये पानी कौन लेकर आता है यहाँ? ये गाड़ी वाला खड़ा हुआ है, कंपनीज है मुख्तलिफ, प्राइवेट कंपनीज है वो यहाँ पर, पैसों से खरीद के मतलब पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, सरकारी नहीं आ रहा। और बड़ों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि हाथ में बोतलें पकड़े खड़े हैं, पानी नहीं आ रहा, 3 साल से नहीं आ रहा, ये बोतलें कहाँ से भर के लेके आती है? आगे नल लगा हुआ है। अच्छा, और टैंकर भी आता है पानी का? टैंकर जी जी, कहाँ से लेकर आते हैं पानी अम्मी अबू, कहीं से करते हैं? यहाँ नल लगा हुआ है, वहाँ से भर के आते हैं, दूर से लेकर आना पड़ता है, घरों में पानी नहीं आ रहा। हाँ, पानी नहीं आ रहा, बहुत दिनों से नहीं आ रहा पानी, बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा नहीं, क्योंकि घर में काम काज। हाँ, तो दूर से पानी भर भर के लाते हैं, दूर से पानी भर भर के लाना पड़ता है, या टैंकर मंगवाओ, पैसे देंगे तो फिर पानी। हाँ, और
इस इलाके के जो रिहायशी हैं वो काफी अरसे से पानी की अदम फराहमी की वजह से मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। जब हमने इस इलाके का विजिट किया तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो अपने घरों के दरवाजों पर जमा हो गए हैं। जो यहाँ की रिहायशी खवातीन हैं वो भी शिकायत अपनी दर्ज करवाने के लिए दरवाजों पर आ गई हैं और हम यहाँ पर चाहेंगे कुछ बात करें इनसे कि कितने अरसे से पानी जो है वो नहीं आ रहा और पानी ना आने की सूरत में घर के जो कामकाज हैं, जो दीगर उनके रोजमर्रा के मामूलात हैं, वो किस तरह से बहाल किए हुए हैं। टैंकर मंगवाया जाता है, कहीं दूर से पानी लेके आया जाता है, किस तरह से मुश्किल फेस करनी पड़ती है इनको जब इनको वाटर बोर्ड की जाने से पानी की सप्लाई फराहम नहीं हो सकती। बोतलें कहाँ से भर भर के वहाँ से दूसरे घर में भर के लाते हैं, दूसरे इलाके से भर भर के लाते हैं। मुश्किल पेश आती है? हाँ, बहुत बहुत परेशानी है। कहाँ से रोज के काम, किस तरह सफाई सुथराई, खाना पकाना, कुछ भी नहीं होती। रमजान भी ऐसी गुजर गया, ईद भी गुजर गई। हाँ, सबको जैसे कम्प्लेन करवाई उसके बावजूद नहीं हुआ कोई भी। पानी कब से नहीं आ रहा? पानी काफी रहा था, पानी आता ही कहाँ यहाँ पे, नहीं आता पानी यहाँ। मीठा पानी ही लेने, इनसे परेशान है लोग पूरे के बिहार में, गंदगी अलग हो रही नाले पे, यहाँ पे देखो बारिश में भी। क्या फिर किस तरह से आप लोग गुजारा कर रहे हैं जब पानी नहीं आ रहा काफी अरसे से? कभी खारा आ जाता वो पी लेते, वही इसी से नहा लेते हैं। हाँ, फिर टैंकर पड़वाता है? टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल करना, खरीद के कर रहे हैं, पानी नहीं आता। और दूसरे इलाकों से भी यहाँ पे करते ही नहीं कोई कोशिश, सबको बोला मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे, फिर भी कुछ नहीं किया। काला हुकाम को शिकायत दर्ज कराई, उसके बावजूद कोई हल नहीं? हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। मतलब पानी की लाइन नहीं पड़ी हुई, क्या मसला है इस इलाके में पानी क्यों नहीं आया? तो बहुत पहले आता था, एक साल पहले अब नहीं आ रहा काफी, एक साल से यही मसला चल रहा है। यही मसला चल रहा है, इलाके की इंतजामिया उसने भी कोई मसाइल हल करने वगैरह ने मीटिंग की थी, तो वो घरों में हमने भी गए थे, अभी तो कुछ हुआ ही ना मसला हल। मतलब इजलास वगैरह मुनक्किद हुए लेकिन मसले का हल नहीं निकाला जा सका अब तक। ठीक है, अभी इसका भी रहेगा जैसे आपने कहा कि 125 हॉर्स पावर के ये पंप लगे हैं, इन केस यहाँ पर अभी केएससी की जाने से बिजली बंद हो जाती है या जो आप लोगों की लाइंस हैं वो ट्रिप कर जाती हैं, तो फिर इस पंप को स्टार्ट होने में 6 से 7 घंटा लगेंगे? डेफिनेटली, अगर जो है वो पीछे अगर यानी कि बल्क साइड से अगर जो है कोई ब्रेकडाउन आता है धाबीजी पे या नॉर्थ ईस्ट कराची पे, तो यहाँ पर इसको रेस्टोर होने में एटलीस्ट 6 से 7 आवर्स आपके जो लग जाते हैं। अच्छा, अभी वो 6 से 7 आवर्स लगते ही बीच में फिर दोबारा एक और आपके जर्क आ जाता है, तो फिर वो फर्दर वो उसको आप 6 से 7 फिर ऐड कर लें आप। अच्छा, ये दिन में कितनी दफा जो है वो लाइट जा रही है यहाँ पर पंपिंग स्टेशन को? उन्होंने कहा था कि जी बिजली की फराहमी मुअत्तल नहीं की जाएगी और कोई स्टेट हाई कोर्ट की जाने से स्पेशल ऑर्डर्स हैं कि वो जो भी उनके वाद-विवाद की दम अदायगी या जो भी केसेस हैं कुछ भी होगा लेकिन बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी रहेगी, तो इस पे अमल दरामद हो रहा है या बंद कर दी जा रही है? ये इस स्टेशन पे तो जो है वो कम आपकी बिजली जा रही है, लेकिन इसलिए अब उन्होंने ये क्या है ना, वो पीछे जो हमारा मेन स्टेशन है उसको उन्होंने टारगेट कर लिया। अब वो मेन स्टेशन में जब लाइट चल जाती है तो लामाला ये सारे एडल हो जाएंगे हमारे, बेकार रहेंगे। तो आप लोगों के यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, कुछ केएससी वाले ये भी कहते हैं कि जो लाइनें हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, इतना अरसा हो गया उनको इस्तेमाल में कि वो लाइनें या वायर्स केबल्स खराब हो चुके हैं, पुराने हैं, उसको चेंज करवाना चाहिए। कुछ इस तरह की पेशकश भी की गई थी केएससी की जानिब से वो वायर्स या केबल्स चेंज? नहीं, हम तो अपने जो ग्रेजुअली हम करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे कोई ऐसा फॉल्ट आता है उसको हम फौरन आपको रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारे आपके एंड पर है, मतलब अगर वो केसी के आपके एंड पर होता है तो वहाँ तो काफी टाइम लगता है, लेकिन जो है जो हमारे एंड पे यानी मीटर के बाद से लेके और हमारे स्टेशन तक वो केबल वगैरह वो सारी हम आपको रिप्लेस कर लेते हैं। आपको रिप्लेस कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब पुरानी हो चुकी है साला साल से और मुरम्मत हो के बिल्कुल खत्म हो चुकी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उसको जो है वो ब्लेम है, ये सिर्फ एक ब्लेम है, ये हमारे अपने सिस्टम के अंदर तो जहाँ पे हमारी ज्यादा जा रही है वहाँ पे तो सारा सिस्टम सही है, ये जान छुड़ाने का एक बहाना है। ये कहते हैं कि आप लोगों के केबल जो हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि वो केबल फॉल्ट की वजह से बिजली की फराहमी में तातुल पैदा होता है, वरना हम तो किसी किस्म की लोड शेडिंग? देखिए, फॉल्ट तो हमारे इसमें भी आते हैं यकीनन, ऐसा नहीं है कि हम कोई एवन किस्म के वही पाइप इस्तेमाल कर वही केबल इस्तेमाल करते जो केसी करती है, तो उसमें फॉल्ट आते हैं तो हम उसको कहीं पे ऐसा होता है तो रिप्लेस कर देते हैं, वो पीस जो वो दोबारा बिल्कुल काबिल हो जाता है शायद, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत बुरी हालत में हो, कहना कि बिल्कुल वो चल ही नहीं पा रहा हूँ, खत्म हो चुके हैं बिल्कुल? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा चल रहे हैं। और जाहिर जब ये जब देखे ढाबे जी की टोटल जब बिजली बंद होती है हमारे यहाँ पंपिंग स्टेशन ढाबे जी पे तकरीबन रिक्वायरमेंट कितनी है वहाँ? अंदाज है 35 मेगावाट या से ऊपर है थोड़ा। तो अब वो जाहिर है कि वाटर बोर्ड जो है वो एक पानी प्रोड्यूस करने का इदारा है, हम पानी प्रोड्यूस करते हैं, पानी लेके 200 किलोमीटर लागे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
मतलब इस इशू को चलते हुए इतने ज्यादा दिन हो गए हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया है कि पब्लिक को इतनी मुश्किल फेस करनी पड़ रही हैं, दो इदारों के दरमियान जो इस तरह के इशूज चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी अदम अदायगी नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी वाटर बोर्ड का मसला है, वो कह रहे हैं केसी का मसला है, फेस पब्लिक को करना पड़ा है सिंध हुकूमत की जानिब से। देखिए दो मुतजाद बातें आती हैं, एक तो कभी कहा जाता है कि जी वो पेमेंट का मसला है कि वाटर बोर्ड जो है नादाइंदा है, दूसरी तरफ फिर बाद में कहते हैं कि निजी वो इनके खस्ता है के बिल, मतलब जब एक बात के बाद दूसरी बात दूसरी तीसरी कोई ना कोई मतलब किसी तरह हम अपने आप को पहलू जमा करा देते, जो कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए और उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। वाटर बोर्ड जो है वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है और हम रात दिन लगे हुए इसी पानी जो कम पानी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, ज़ाहिर आबादी बहुत है, 2 करोड़ 20 लाख की आबादी हो चुकी है, हम हर जगह पानी कम होगा क्योंकि ऑलरेडी पानी जो है वो जो आ रहा है वो ही उनकी जरूरत के लिए पूरा नहीं पड़ता है। ये बताइएगा कि शहर के बेशतर इलाकों में हमने देखा कि पानी की साफ पानी की लाइनें जो हैं वो खराब हुई हैं, वो फटी हुई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए वाटर बोर्ड जो है वो कोई काम करता नजर नहीं आता, मतलब कई कई दिनों तक वो लाइनें इसी तरह से खराब रहती है। नहीं वैसे तो होता ही है कि पानी की जो लाइन लीक होती है, अगर संग मेन से बड़ी लाइन है रिजर्वायर से लाइनें निकली हैं तो अगर उसमें कोई अचानक लीकेज हो भी जाती है, यकीनन हाई प्रेशर है तो लाइनें भी पुरानी हो चुकी हैं, उनकी लाइफ 35 साल से ऊपर हो चुके चल रही हैं, लेकिन अब उसमें ये होता है कि हम उसको लीकेज को बनाते हैं, लेकिन मुनासिब उसमें ये देखते हैं कि ऐसे वक्त में करेंगे ताकि एरिया डिस्टर्ब ना हो। और इस वक्त हम मौजूद हैं केएसी के तर्जुमान अहमद फराज के साथ और इनसे थोड़ी सी बात करेंगे, वाटर बोर्ड और केएसी के दरमियान इस वक्त जो तनाजा चल रहा है कुछ ड्यूज को लेकर या कुछ वाजबात की अदम अदायगी के हवाले से, जो लोड शेडिंग का या बिजली की फराहमी में जो अदम अदायगी का बायस जो है बिजली की फराहमी में और तसलसल की फराहमी की वजह से रुकावट बन रहा है, उस हवाले से थोड़ी हम बात करेंगे। सर वाटर बोर्ड के तर्जुमान ये कहते हैं, जब हमारी बात होती है इफ्तिखार अहमद साहब से तो उनका ये कहना था कि अदम अदायगी को जो वाजबात उनके आपके ऊपर है 17 अरब रुपए बताए जाते हैं उसको बहाना बनाकर जो है पंपिंग स्टेशन के ऊपर लोड शेडिंग की जा रही है। गलत कहते हैं, बहुत शॉर्ट आंसर दिया है, अब इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 17 अरब रुपए का नादहिंदा ये इदारा मुसलसल बाकायदगी से बिजली ले रहा है, कोई लोड शेडिंग किसी भी पंपिंग स्टेशन पे नहीं की जा रही। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, देखें टेक्निकल फॉल्ट अगर आता है तो ना वो मेरे इख्तियार में है और ना किसी और के इख्तियार में है, अगर कोई सर्किट ट्रिप होगा तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसमें भी हम वाटर बोर्ड क्योंकि एक इंतहाई अहम इदारा है, इससे पानी की सप्लाई जो है वो पूरे शहर में होती है, पानी एक बुनियादी जरूरत है तमाम सार्फीन की, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा टीम्स हैं जो डेडिकेटेड टीम्स हैं जो वाटर बोर्ड के ऊपर अगर कहीं पे भी लाइन पे कोई ट्रिपिंग आती है कोई फॉल्ट आता है तो पहली कोशिश ये होती है कि जल्द अज जल्द उसको बहाल कर दिया जाए। अच्छा तो जब हम जाते हैं पंपिंग स्टेशन के ऊपर वहाँ विजिट करते हैं और जिस तरह से केसी की जाने से बताया जाता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है या जो केबल्स हैं वो इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं कि इनकी खस्ता हाली की वजह से जो है वो बिजली का तातुल पैदा होता है, ये जो केबल्स हैं कि इसको चेंज करना या ट्रांसमिशन लाइन को चेंज करना, पुरानी केबल्स को नई केबल्स में चेंज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है या केसी के जुमरे में आता है? ये बिल्कुल वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है क्योंकि वाटर बोर्ड जो है वो बल्क सप्लाई कंज्यूमर होता है हमारा, तो जो भी बल्क सप्लाई कंज्यूमर है उसके जो जितनी भी लाइन्स के जो भी इवन अगर पीएमटी भी है तो वो उसी को उसकी अगर वो खराब होती है तो जिम्मेदारी सारिफ के ऊपर ही आती है। हमने यहाँ तक इनको फेवर किया है कि जो एस्टिमेट जारी किए गए हैं उसमें हमने अपना पार्ट इनको जो अपना करेक्ट अपना रोल अदा करने के लिए हमने यहाँ तक कहा है उन्हें कि इसका कुछ पार्ट के एसी अदा कर देती है अगर आप 100% अदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से उस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। दूसरी बात, आपकी टीम को आपके चैनल को मैं ये इनविटेशन देता हूं कि आप हमारे इंजीनियर्स के साथ चलें, हम आपको दिखाएंगे कि उनके केबल्स का क्या हाल है। कराची के सार्फीन को पूरे मीडिया को एक एक चीज क्लियर हो जाए कि झूठ हम बोलते हैं या वो बोलते हैं। 17 अरब रुपए के नादहिंदा ये इदारा, आप मुझे उनसे जरा ये पूछ के बताइएगा कि इन 3 साल में उन्होंने आज तक कितनी पेमेंट की है हमें। अच्छा अगर वो 17 अरब रुपए का नादहिंदा है तो क्या केसी भी वाटर बोर्ड का नादहिंदा है? कितने अरब रुपए के वाजबात है केसी के ऊपर भी कुछ ड्यूज होंगे? कोई केसी ने वाटर बोर्ड का अदा नहीं करना, वाटर बोर्ड 17 अरब रुपए का नादहिंदा है। और दूसरी बात यह कि इनका कोई 35 से 40 करोड़ रुपए का मंथली बिल है, आप जरूर उनसे सवाल तो कीजिएगा कि हम मंथली कितनी पेमेंट करते हैं।
और के बी आर सोसाइटी की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पानी की अदम फरहमी की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बफर जोन के ही इलाके में, यहाँ पर भी इलाका मकीन पानी की अदम फरहमी की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर ईद से नहीं आ रहा पानी, ईद से क्या मीठी, ईद से क्या कभी भी पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, तो पानी नहीं आ रहा, क्या करते हैं, टैंकर पड़वाते, टैंकर नहीं डलवाते, कहीं कहीं से भरकर लाते हैं, भर भर के लाते हैं, मुश्किल होती होगी बहुत ज्यादा ही होती है, बच्चे भी नहीं नहाते हमारे, कैसे काम काज कैसे होता है, घर का काम कैसे होता है, घर के काम में तो कुआ खुद जाएगा उसके पानी से, बच्चे भी पानी इस्तेमाल करते हैं, मीठा पानी नहीं आ रहा है, मीठा पड़ता है या टैंकर पड़वाओ तो खरीद के, हाँ खरीद के इस्तेमाल सही है। यहाँ पर कुछ और लोग भी यहाँ पर इसी तरह मौजूद हैं जो कि पानी की अदम फराम की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, और वो कुछ बात करना चाहेंगे इस हवाले से कि इतना अरसा हो चुका है, 6 से 8 महीने का पानी की मुसलसल शिकायत ही आ रही है, जब वाटर बोर्ड से हुकाम से इस हवाले से बात की जाती है और उनसे पता किया जाता है कि पानी की अदम फराहमी क्यों है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, क्यों नहीं प्रॉपर पानी दस्तियाब किया जा रहा, क्यों नहीं पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा, तो उनका ये कहना है कि KESC की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ट्रिपिंग हो जाती है, वो स्टेशन खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं फराहम किया जा सकता। कुछ और खबर थी हमारे साथ, पानी नहीं आ रहा, पानी वैसे तो हमारे यहाँ 6 महीने से नहीं आ रही है इधर पानी, अब आता भी है तो एक तरफ आता एक तरफ आता ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पानी बहुत मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है पानी की, तो क्या करते फिर जब पानी नहीं आता, पानी नहीं आता तो क्या करें, कहीं कहीं से लाते हैं, कुओं से लेते हैं, कहीं से कहीं कहीं से लाते हैं पानी दूर दूर से खरीदते हैं, मतलब जो होते हैं जिनको होता है खरीदते हैं, टैंकर पड़वाते हैं, टैंकर पड़वाते हैं पानी, पानी तो यहाँ 6-7 महीने से आ ही नहीं रहा है मुसलसल, नहीं इंतजामिया से शिकायत की है, क्यों कोई वजह बताइए क्यों नहीं आ रहा, मतलब जाहिर है कि सभी को मालूम है कि अलनूर में पूरे एक हमारे हिस्से में नहीं, अलनूर में ही पूरे नहीं आ रहा है पानी, सभी को शिकायत है, पानी आ ही नहीं रहा, 2 साल होगा, 2 साल हो गए पानी नहीं आ रहा, किस तरह गुजारा करेंगे, हम टैंकर डलवाते हैं किस तरह गुजारा करेंगे, बाहर से मंगाते, बाहर से मंगाते, भरवा के मंगाते हैं फिर इस्तेमाल, मुश्किल नहीं होती, बहुत ज्यादा है, इतनी मुश्किल के, तो क्या जो आपके इलाके के सरबरा है जो इंतजामिया है उसने कोई मतलब नोटिस नहीं है, जाते हैं वो सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हमें तो आ जाएंगे कर देंगे, लेकिन वो नहीं बिल्कुल भी नहीं सुनते हमारे, क्या समझते हैं वाटर बोर्ड ने पानी बंद किया हुआ है या KESC की, अभी जो टीवी पर वाटर बोर्ड वहीं से बंद होगा, वाटर बोर्ड वाले तो कहते हैं कि हम पानी बंद नहीं करते, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन KESC की तरफ से जब बिजली बंद की जाती है तो इस वजह से लोगों को पानी नहीं पहुंच पाता, तो वो लोग तो क्या कहते हैं अपना पानी बेचते ना इसलिए पानी बंद रखते हैं, वहीं से बंद होता है पानी, वहीं से बंद होता है, KESC वो KESC को जिम्मेदार ठहराते ना कि KESC उनकी बिजली बंद करती है, जिससे KESC जिम्मेदार है, KESC जिम्मेदार है, कोई वाटर बोर्ड का अपना एक मुतबादल सिस्टम होना चाहिए, कोई जनरेटर्स का या इस तरह का कि अगर लोड शेडिंग की भी जा रही हो तो उसको पावर जो है किसी दूसरी जगह से सप्लाई की जा सके, जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो है ये बंद ना हो सके और पानी की सप्लाई ना रुके। देखिए बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा ये मेगा हमारा पंपिंग स्टेशन है, इसमें बहुत हैवी पंप्स लगे हुए हैं और जनरेटर जो होते हैं आपने वो देखा होगा कहीं लगे होते हैं, वो जनरेटर जब उन पर लोड आता है तो वो मतलब ज्यादा देर तक सिस्टम में नहीं होता, इतना लोड नहीं ले पाते, हमारे पंप भी बहुत हैवी किस्म के, और दूसरी बात है कि जाहिर है कि इतने उसके लिए बहुत बड़े जनरेटर जो है रिक्वायर्ड होंगे हैवी किस्म के, जाहिर है उनकी कीमत भी कई होगी, वाटर बोर्ड जो है इस वक्त जो है लोगों से जो लोगों को पानी दे रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये दारा, रिकवरी नहीं है, नहीं ये नहीं बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये दारा, गवर्नमेंट की जाने से सपोर्ट करने का भी इस तरह नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लेकिन ये जब ऑलरेडी एक KESC एग्जिस्ट करती है, हम इतना फंड वहाँ करें, कोई KESC को तो सिंध हाई कोर्ट की जाने से भी ऑर्डर है ना कि वाटर बोर्ड की जो है वो किसी भी किस्म की बिजली फरामी में रुकावट आए लेना चाहिए, अब उन ऑर्डर के बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे, कुछ केबल फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा होता है, अपने सिस्टम को मतलब मैं समझता हूँ कि अगर वो फॉल्ट है तो वो उसको इस बुनियादों पर करें, कम अज कम चले वो मजबूरी है कि भाई उनके सिस्टम में कमजोर है या वो उसमें वीकनेस है तो वो उसको कम से कम 15 दिन तक तो सस्टेनेबल हो के वो मतलब अगर 15 दिन तक लोड शेडिंग ना हो तो पानी इतना होना चाहिए, कम से कम एक आध कोई हो 2 घंटे 1 घंटे की तो मजबूरी है उनकी तो होटल तो होना नहीं चाहिए इतने बड़े ये पंपिंग स्टेशन बिल्कुल वो है उस पर क्या कहते हैं उसको एग्जेम्प्टेड है वो। अच्छा अभी हमें बताएगा कि पानी की इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, ये जो आपने एक बहुत बड़ा रिजर्वायर हम देख रहे हैं कि ये बना हुआ है, तो हम देख रहे हैं कुछ मतलब मेजरमेंट्स इसमें बनी हुई हैं, तो इस वक्त जो पानी है वो 13 के जो यहाँ पे एक मेजरमेंट दी हुई है वहाँ तक है, तो ये 19 का मेरे ख्याल से दिया हुआ है। जी ये असल में जो यहाँ सप्लाई करते हैं ये लेवल्स को मेंटेन पहले इसको बाहर जो आउटर वॉल है उनको क्लोज करके बंद करके लेवल को मेंटेन करते हैं, पहले जब वो लेवल है अपने सर्टेन उस पर पहुंच जाते हैं फिर उसको ओपनिंग करते हैं, तो ये लेवल बनाने से मुरादी होती है कि ये जो लास्ट एरिया है ना बिल्कुल टेल का एरिया वहां तक पानी जो आसानी से पहुंच जाता है।
वाटर बोर्ड का ये कहना है कि जब से केएससी प्राइवेटाइज हुआ है, यहाँ के लोग चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ था उसकी कमी बहुत ज्यादा होगी। मतलब एमबीए तो हमें बहुत नजर आते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो तजर्बाकार होते हैं, उसकी कमी नजर आती है, जिसकी वजह से वो फॉल्ट पकड़ नहीं पाते और वो बात वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स पे या उस पर डाल देते हैं उस इदारे पे कि जी आपको पता नहीं है कि फॉल्ट क्या है, ट्रांसमिशन लाइन की खराबी है या क्या मसला है। तो क्या इस बात में किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई केएससी प्राइवेटाइज होने के बाद जो है यहाँ के लोग कुछ नाअहल हो गए? इसका बड़ा सादा सा जवाब दूंगा, और अगर नाअहल होते तो 2.6 बिलियन के प्रॉफिट में कंपनी नहीं आती। अच्छा। अगर ये मैनेजमेंट नाअहल होती तो 2.6 यानी कि 2.6 बिलियन का जो प्रॉफिट हुआ है शेयर, वो नहीं होता। जो लाइन लॉसेज में कमी हुई है वो नहीं होती। जो नंबर ऑफ फीडर्स डाले गए हैं वो नहीं डाले जाते। जो नंबर ऑफ ग्रिड स्टेशन लगाए गए हैं वो नहीं लगाए जाते। जो 560 मेगावाट का बिनकासिम का पावर प्लांट लगाया गया है वो नहीं लगाया जाता। जो 220 मेगावाट का सीसीपी भी लगाया गया है वो नहीं लगाया जाता। सार्फीन जो बहुत सारा है, जो कराची का एरिया है, 40% से ज्यादा ऐसे एरिया है कि जहाँ पे लोड शेडिंग होती नहीं है। अगर हम नाअहल होते तो ऐसा नहीं, वो VIP एरियाज नहीं है, उसमें नॉर्थ नजामाबाद भी आता है, उसमें गुलशन भी आता है, उसमें तारिफ रोड के एरियाज भी आते हैं, उसमें डिफेंस भी आता है, क्लिफ्टन भी आता है, इंडस्ट्रियल जोन भी आता है। कोई हमारे पास हम डिस्क्रिमिनेशन रूल नहीं है कि एक VVIP है और एक बेचारा वो छोटा आदमी, हमारे लिए सब बराबर है। हमने अगर बिजली के लिए कार्रवाई की है तो हमने वजीर कानून की तरफ भी की है, हमने एक आम सारिफ की तरफ भी की है। हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो केएससी का ना दहिंदा होगा, जो केएससी के साथ पेमेंट नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, केएससी की जानिब से वाटर बोर्ड के अफसरान को यह भी कहा जाता है कि अगर इन केस आपके पास ट्रांसमिशन लाइन की खराबी है, किसी भी वजह से बिजली की फरहमी जो है मुअत्तल हो जाती है, तो आपके पास मुतबादल सिस्टम होना चाहिए। अब हमने जहां विजिट किया है, K2 K3 प्रोजेक्ट जहां पे चल रहे हैं, तो वहां पर उनका कहना है कि हाई टेंशन सप्लाई है, 11,000 वोल्ट की वो सप्लाई है, जो कि जनरेटर्स के ऊपर जो है वो मुतबादल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। वो तो जो पावर स्टेशन बना के दिए जाने चाहिए, वो पावर स्टेशन जो है वो केएससी बना के देगा या वो उसमें सिंध हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी पावर स्टेशन बनाने के लिए? अगर वाटर बोर्ड मुतबादल सिस्टम चाहता भी है तो वो जनरेटर्स पे तो नहीं अपना चेंज कर सकते? देखें, वाटर बोर्ड के MD मिसबा फरुद्दीन साहब हैं, ये सवाल आप उनसे कीजिए। केएससी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कराची शहर को पानी सप्लाई करने की। केएससी के ऊपर बिजली सप्लाई करने की बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसको हम करते हैं, उसको हम करते हैं, उसको हम करते नहीं। बिजली का कोई तातुल नहीं होता, ये इनकी नाअहली है, ये नाअहल लोग हैं, ये बेहतरी नहीं चाहते। इनके पास पैसे आते हैं, ये कॉन्ट्रेक्टर को तो पैसे दे देते हैं 50 करोड़ रुपए। अभी सिंध हुकूमत ने इनको ग्रांट दी थी 50 करोड़ रुपए की, केएससी को उन्होंने कितने पैसे दिए उसमें से? जहाँ पे इनके अपने मतलब होते हैं वहां तो ये लोग पेमेंट कर रहे होते हैं, और जहाँ इनको पता होता है कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमने पैसे यहाँ पे देने, तो ये वहाँ पैसे नहीं देते हैं। ये शेयर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। आप मुझे पूछिए ना, इनको अभी थोड़े दिन पहले एक ग्रांट मिली थी 50 करोड़ रुपए की, कहाँ गई? वो कौन से ठेकेदारों को गई है? ये मुझे बताइए कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहां पे अगर हाइड्रेंट लगा हुआ है तो उसमें पानी आ रहा है, लेकिन उसकी पिछली गली में अगर घर है तो वहां पानी नहीं आ रहा है, क्यों? ये सवालात आप उनसे कीजिए कि टैंकर माफिया को सपोर्ट करके उनको क्या फायदा होता है? उनका तो कहना ये कि हमारे पास पानी की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, जो हमारे वहाँ पर रिजर्वायर्स हैं, जो टैंक्स बने हुए हैं जहाँ से बल्क में सप्लाई होता है पानी, पानी हर तरह से मौजूद है, लेकिन जब ट्रांसमिशन लाइन में खराबी या बिजली के तातुर की वजह से पंप्स बंद हो जाएंगे तो फिर घरों तक पानी किस तरह पहुंचे? देखिए, ये मैं आपको बड़ा वाजे कह रहा हूँ कि वो अपने उस सिस्टम को, जो एक बुसीदा सिस्टम है उनका, उसको चेंज करने पर आमादा नहीं है। वो कैसे, मतलब कैसे चेंज होगा? ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका प्लान है, ये उनका स्ट्रक्चर है, मेरी कंपनी नहीं है। मैं उनको प्लानिंग बना के नहीं दूंगा उनकी कंपनी के लिए कि भाई आप ये कर लें और ये ना करें। वो उनकी कंपनी है, एडवाइस तो दी जाएगी ना कि अगर आप सिस्टम चेंज करना चाहेंगे। पूरी दुनिया में क्या होता है कि पूरी दुनिया में मुतबादल निजाम नहीं होता, ये सिर्फ कराची ही एक ऐसा वाहिद इदारा है कि जहां पर मुतबादल निजाम नहीं हो सकता। ये अब उनको सोचें कि उन्होंने क्या करना है। मुतबादल निजाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हो सकता। इतने बड़े पावर प्लांट नहीं है कि वो नहीं चल सकते। हम NEK प्लांट कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के NEK प्लांट पर मौजूद है, जहाँ पे इनके K2 और K3 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, और यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं आजम खान साहब, इनसे हम थोड़ी सी मालूम लेना चाहेंगे कि KSC और वाटर बोर्ड के दरमियान इस वक्त जो इशू चल रहा है, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, और मेन इशू इस वक्त असल में है क्या? हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर डिप्टी चीफ इंजीनियर आजम खान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप पीछे धाबे जी से जो है पानी की सप्लाई में कमी है, केएससी की जानिब से पावर फेलियर बताया जाता है, क्या वजह है? पावर फेलियर है, कुछ केबल फॉल्ट्स हैं, क्या वजह है? नहीं, असल में पावर फेलियर्स है, और जो है केएससी की तरफ से जो है ना वो ब्रेकडाउन जो है ना वो आ रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन जो है ना वो आ रहे हैं। तो समटाइम जो है ना ये ब्रेकडाउन जो है ना भले 2 मिनट के क्यों ना हो,
और दो मिनट के अगर तीन दफा भी आ गए तो मेरी जो सप्लाई है वो तो मुझे डेढ़ और दो घंटे पे जाके जो है ना रिस्टोर होती है, तो मुझे तो चार और छह घंटे का फर्क पड़ जाता है सिर्फ तीन मिनट की जो है ना वो एक एक दफा में अगर चली जाए। अच्छा, आप जैसे धाबी जी पे पावर फेलियर होता है तो उसका यहाँ पर इम्पैक्ट कितनी देर बाद पता चलता है कि अगर वहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का तो उस पावर फेलियर की वजह से यहाँ पर पानी पहुँचने में कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन जो है वो आठ दस घंटे तो लगी जाता है, आठ से दस घंटे तक इम्पैक्ट जो है ना वो आना शुरू होता है। और सिटी में जो है ना वो इम्पैक्ट यकीनन थोड़ा सा और देर बाद आएगा, इसलिए कि यहाँ से सप्लाई जो होती है वो फिर सिटी के पंपिंग स्टेशन तक जाती है और फिर वहाँ से जो है ना वो सप्लाई होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये यहाँ पर जो एक बना हुआ है कैनाल कहेंगे इसको, चैनल कहेंगे या इनकमिंग चैनल कहेंगे, धाबी जी से पानी आ रहा है, ये ढाबी जिसे पानी जो है ना इस वक्त आ रहा है। यहाँ पर एक स्केल मेजरमेंट के लिए लगाया हुआ है कि अगर नॉर्मल उसमें फ्लो में जब पानी आएगा और जब किसी किस्म का ब्रेकडाउन नहीं होता, बिजली की अगर फरामी नहीं होती तो उस वक्त क्या मेजरमेंट होती है? अगर बिजली की फरामी यहाँ ना रोकी जाए तो 53 से अबव जो है ना वो लेवल होता है। अच्छा, जैसे इस वक्त जो लेवल है वो 52-40 है, 52-40 है, और अगर ये लेवल इससे नीचे वहाँ ब्रेकडाउन आता है और 51-80 के अगर पहुँचता है तो हम इस वक्त जो है ना वो पंपिंग हमारी बंद होना शुरू हो जाती है। ये हमारा पंप हाउस है, इसके अंदर जो है ना पांच सेट लगे हुए हैं हमारे पास पंपिंग के, जिसमें से तीन इन ऑपरेशन होते हैं और दो स्टैंड बाय होते हैं, यानी एक स्टैंड बाय होता है और एक रिपेयर ऑफ के लिए जो है वो मार्केट के लिए या उसके लिए जो है ना मुक्तेस होता है। ठीक है, अब इस वक्त हमारे पास जो एक पंप है वो तकरीबन 35 MGD का है, 35 MGD पानी एक पंप उठाता है, तीन पंप चल रहे हैं तो 100 MGD का पानी जो है वो हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं। ये हमारे पास जो जाएगा ये फिर इसके बाद आगे रिजर्वायर में से वो होता हुआ और फिर इसके बाद हाई लिफ्ट पंप हाउस में पहुँचता है पानी, और हाई लिफ्ट से जो है ना ये शहर के अंदर जो है वो चला जाता है। मतलब पाँच पंप यहाँ पर आप मतलब ये बता रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं, जिसमें से तीन जो है वो वर्किंग में है और दो स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं, जब इनमें से दो पंप बंद किए जाएंगे। हाँ, अगर कोई पंप इसमें से खराब हो जाए तो इसका मतलब हम दूसरा पंप जो है ना वो चला सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो पांचों पंप है वो पांचों इंटैक्ट है। अच्छा, मतलब केस ये भी कहती है जैसे कि अगर पावर फेलियर आता है तो वाटर बोर्ड वालों के पास कोई मुतबादल सिस्टम होना चाहिए। आप समझते हैं कि जो ये हाई टेंशन सप्लाई है आपको केसी की, आप जैसे 11,000 वोल्ट बता रहे थे, तो इतनी सप्लाई किसी जनरेटर से हो सकती है जो केसी आपको मुतबादल निजाम का मशवरा देती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो है ना फिलहाल तो कोई मुतबादल जनरेटिंग सिस्टम जो है ना वो नहीं है, यानी कि बड़े स्टेशनों के ऊपर, लेकिन हमारे प्रोग्राम में एक शामिल है, हमारे पास फंडिंग इतनी नहीं है कि हम जो है ना वो उसको कर सकें। केसी जो है वो बड़ी जिम्मा है, हर तरह से केसी की जानिब से कोई रोड शेडिंग नहीं की जा रही, मैं आपसे बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जो से इंक्वायरी बिठाने के लिए तैयार हूँ कि आप बिठाइए इंक्वायरी, चेक करवा लीजिए लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, अगर कभी हफ्ते में एक या दो दफा ऐसा हो जाता है कि 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए ट्रिपिंग आ जाए तो उसका इल्जाम दो दो तीन तीन हफ्ते 14 करोड़ कह रहे हैं। 15 या 20 मिनट की आपका जो है ट्रिपिंग आ रही है तो जो उनके सिस्टम्स हैं, जो उनके प्लांट्स हैं, उसको स्टार्ट होने में ही जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पांच, उन्होंने हमें दिखाया था, एक विजिट कराया था कि उनके पास पांच प्लांट इस तरह के लगे हुए हैं कि वो 10-10 मिनट के वक्फे से वो सिलेंडर्स ऑन करते हैं, वो पंप से स्टार्ट होते हैं और वो पंप स्टार्ट होने में 1.5 से 2 घंटा लेता है। अब अगर इसी दौरान दोबारा से ट्रिपिंग हो जाती है तो ये टाइम डबल हो जाएगा। इस सूरत हाल में अगर ये धाबी जी पिपरी पंपिंग स्टेशन पर आपकी 15 से 20 मिनट की भी ट्रिपिंग होती है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर 18 से 20 घंटे बाद आता है और फिर यही 2 करोड़ 5 करोड़ या इतने गैलन जो है वो, मतलब शहरी इसमें तो वो कोई ट्रिपिंग आती है 11 KV 132 KV पे, उसको मैं नहीं रोक सकता। ठीक है, बड़ी माइनर चीजें होती हैं जो आप लोग समझते हैं कि बहुत माइनर है, लेकिन उसके इम्पैक्ट बड़े मेजर होते हैं। अगर डस्ट मौजूद है, लेकिन डस्ट ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकती हैं तारों के ऊपर, तो मैं एक बंदा नहीं लगा सकता जो तारों की सफाई करता रहे। ठीक है, वो एनुअल मेंटेनेंस में होता है, उसे हम क्लियर करते रहते हैं। लेकिन अगर वहां पे साल में एक दफा ट्रिपिंग आती है या दो दफा ट्रिपिंग आती है, जैसे अभी पिछले हो रहा था लेकिन हमने मेंटेनेंस किया, अल्लाह का शुक्र है क्लियर कर दिया, पूरा शहर नॉर्मल रहता है। मुझे सिर्फ ये बताइए ना कि पंपिंग स्टेशन ही क्यों मुतासर रहते हैं, बाकी पूरी इंडस्ट्री आपसे शिकायत नहीं करती? पूरी शिकायत है, पूरी आवाम को शिकायत है। कौन सी इंडस्ट्री को शिकायत है? केएससी की जानिब से तो इतनी ज्यादा शिकायत है कि आप ये कह ही नहीं सकते। कौन सी शिकायत है? आप मुझे बताइए, जहाँ चोरी ज्यादा है वहाँ पे लोड शेडिंग होगी,
ऑब्वियसली होगी, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ लाइन लोसे ज्यादा है वहां पे मैं उसको किस तरह कंट्रोल करूंगा कि जब मैं वहां पे जाता हूँ जाके मैंने सारे कुंडाज रिमूव किए, रिमूव करके निकलता हूँ कुछ कुंडाज लग जाते हैं। कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का सपोर्ट नहीं है, कोई मीडिया का सपोर्ट नहीं है। वाटर बोर्ड की नायली को आप लोग नहीं देखते हैं? वाटर बोर्ड के ऊपर इतने रुपए के वाजबात हैं, वो एक रुपया अदा नहीं करता। आप वाटर बोर्ड को ये कहने के बजाय कि वो केसी को पेमेंट करे, अगर वो पेमेंट भी करें, अगर वो सारी चीजें करें तो उनके ऊपर और बेहतरी भी आएगी ना चीजों की। वो एक रुपए की पेमेंट ना करें, हम उनके लिए सारे काम करते हैं। बार-बार की जो आदम आएगी के हवाले से, वो तो आपका केस चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में। अगर कोर्ट ने ये कहीं लिख के दिया हुआ होगा 17 रुपए के वाजबात नहीं देने, तो आप मुझे दिखा दीजिए ऐसा ऑर्डर। मतलब इदारों में भाई बुक सिस्टम होता है ना, उसके तहत चल रहा होता है? कोई हमारा कोई बुक सिस्टम नहीं है उनके साथ। वो 17 अरब रुपए के नादहिंदा हैं, 35 से 40 करोड़ रुपए की महाना उनकी बिलिंग है, वो पैसे नहीं देते हैं, उनकी तरफ से कोई मुस्बत रवैया नहीं होता। उनके पंपिंग स्टेशन पे जो बिजली का तातुल है वो उनकी अपनी खस्ता केबल्स की वजह से है, जिसकी वजह से हमारे फीडर ट्रिप। कतरा पानी नहीं और बिल इतना रहा है, 900 का बिल भरा भी हमने, मतलब पानी आ नहीं रहा और बिल बना के। हाँ, 900 का अभी कहो तो दिखाऊंगा के 900 का बिल आया है। तो क्या मतलब शिकायत की है कि जब पानी नहीं आ रहा 8 महीने से, तो बिल किस चीज़ का? तो बोरिंग का पानी है, तो अल्लमिया उसमें गुजारा ही नहीं, सबको ही देते हैं, वो भी अल्लाह ताला दे रहा हमें। तो ये मतलब थोड़ी कि तुम पैसे लो और पानी नहीं दो, हर चीज से तुमने वो कर दिया परेशान, तो यहाँ रहेंगे? ये पाकिस्तान काय के लिए बना था? इसीलिए बना था, शुरू से आता था पानी, 6 महीने से पानी की बहुत परेशानी हो गई। अच्छा। लेकिन हमारे कुओं में भी पानी सूख गया। अच्छा। अब हम गैलन लेकर आते हैं भर के, क्या करें? हम तो इतनी परेशान हो जाते हैं, मजदूरों को भी निलाना परेशानी हो जाती है, और भाग भाग के लेते हैं, सांस के मरीज हैं हम, इतने महीने से तंगती बोरे जो हुकूमत हमारे कुछ कर भी नहीं रही, पीने तक भी नहीं मिलता हमें, हम तो भाई गरीब आदमी खरीद भी नहीं सकते। तो आप क्या समझते हैं कि केसी जो है वो जिम्मेदार है लोगों को पानी ना मिलने? हाँ है, वो गलत, ये जो कह रहा है वो गलत है। होता होगा बत्ती जाती होगी, हमें तो पता है, जब हमारी जा रही तो वहाँ भी जाती होगी। बहरहाल उनको टाइम पे पानी तो देना चाहिए ना, हफ्ते में एक ही दफा दे दें, सही से तो दे दें। कानूनी हाइड्रेंट कायम करके और वाटर टैंकर्स को और दीगर लोग जो है वो पानी इस तरह से। वाटर बोर्ड तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि इतनी डेयरिंग के साथ ऑपरेशन किए हैं और ऐसे माफिया के खिलाफ किए हैं, मतलब ये जो पानी बेचते हैं या हाइड्रेंट कायम है, ये तो इसमें जॉइन ऑपरेशन में कहीं जगह जा चुका हूँ और वहाँ पे मतलब हमारा मतलब हमें जान का खतरा भी महसूस हुआ और उनसे झगड़ा भी हुआ, लड़ाइयाँ भी हुई, उनको गिरफ्तारियाँ भी हुई उनकी। लेकिन चूंकि वो बात ये होती है कि पानी की चोरी इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है, उसकी दफा इतनी कमजोर है कि वो आसानी से जमानत हो जाती है उनकी। अब ये केसी के साथ जो मसला चल रहा है इस वक्त, इसको किस तरह से हल किया जाएगा, किस तरह सॉल्व किया जा सकेगा ताकि आवाम को जो है वो पानी की फरहमी में आसानी हो? मैं समझता हूँ वाटर बोर्ड तो अपनी जगह जो है केसी के साथ बिल्कुल कॉपरेट कर रहा है, उनके साथ चलना चाहता है और वो हमारे साथ कॉपरेट करें। जो वाटर बोर्ड की रिजर्वेशन हैं, जो वाटर बोर्ड समझता है कि ये ठीक है और ये ज्यादती हो रही, उसको भी वो रिमूव करें, और जहाँ वाटर बोर्ड का वो बनता नहीं है, डोमेन नहीं बनता, वो बात ना करें, जो उनका डोमेन है वो अपने डोमेन में काम करें। और वाटर बोर्ड मुतासरात के जरिए जो है वो मसले का हल निकाला जा सके, किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, जो अगर वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी वो वाटर बोर्ड पूरी करे, वो अपनी जिम्मेदारी करे, ना कि वो एक दूसरे थोपे जबरदस्ती उस पर फॉल्ट को दूर करने की कोशिश की जाए, मुजाकरात न करें और अपनी अपनी सुपरमिसी न दिखाए। ये जो पंपिंग स्टेशन आप दिखा रहे हैं 5 लगे हुए, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? जी जी, ये असल में यहाँ से जो है ना पंप ऑन ऑफ होते हैं, ये हमारा स्विच गियर है, रूम है, यहाँ पे हम जो है यहाँ से जो है ना ये पंप जो है ना हमारे वो ऑपरेट होते हैं। अच्छा, ये सिस्टम पूरा यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से सिस्टम हमारा है यहाँ पर, और इस सिस्टम से जो है ना हम ये पंप जो है ना वो ऑपरेट करते हैं। अब हमारे पास जो है ना वो 5 सेट लगे हुए हैं, वे हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो है वो जो सेट है वो यहीं से ऑपरेट होते हैं और यहीं से जो है ना वो चलते हैं। एक्चुअल में प्रोसीजर ये होता है कि जब पावर फेलियर जाती है, तो अगर सारे पंप हमारे ट्रिप कर गए हैं अगर,
तो फिर हम उसको ऑन करने के लिए एक एक पंप ऑन करते हैं और एक पंप से दूसरे पंप को ऑन करने के लिए हमारे पास 10 मिनट का जो है वक्फा चाहिए होता है। ये सब प्रोसीजर है पूरा मशीन। एग्जैक्टली ये एक प्रोसीजर है या ये कि डिजाइन जो है वो हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हम एक पंप के बाद दूसरा पंप जो ऑन करेंगे वो 10 मिनट बाद जो है वो ऑन करेंगे। ये पंप बल्कि ऑन ही नहीं होते हैं उससे पहले कि जब तक इसके अंदर क्योंकि जो है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन रिलीज लगी हुई है कि वो एक पंप को कंट्रोल से अगर एक साथ ऑन करना चाहें तो पॉसिबिलिटी में नहीं आता है। दस मिनट का गैप लाजमी आता है। मतलब एक घंटे से ज्यादा का टाइम है कि अगर एक मिनट का भी आपके पास पावर फेलियर आ रहा है तो सारी मशीनरी को दोबारा से स्टार्ट करने में एक घंटे से भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल एक घंटे का टाइम हमें लग जाता है। ये भी है कि कहते हैं कि जब प्राइवेटाइज नहीं हुआ था केएससी उस वक्त इतना ज्यादा जो है बिजली का ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ जाता था, प्राइवेटाइज होने के बाद ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब ये है कि मैंने आपको कुछ बहुत सारे एसएमएस भी दिखाए थे कि जिसमें हमारे पास जो है ना वो केसी के ब्रेकडाउन जो आज ही आए थे वो आपको जो है ना पता लगे कि ये ब्रेकडाउन पहले इतने नहीं आते थे। बड़े पंपिंग स्टेशन पे हमारे ब्रेकडाउन शाजो नाजिर ही आते थे लेकिन अब जो है ना बहुत फ्रीक्वेंट है, यानी कि कभी कभार तो दिन भर में 5 बार, जैसे कि आज का मैसेज मैंने दिखाया कि पिपरी में 5 बार जो है ना लाइट गई है। अब 5 बार लाइट का मतलब यह हुआ कि अगर भले 2-2 मिनट की भी क्यों ना गई, जैसे ज्यादा गई है, लेट सपोज कि मैं कह रहा हूँ कि 2-2 मिनट की भी अगर जाती है तो उसका इफेक्ट जो है ना 5 बार में जो है ना 5 घंटे का हो गया वैसे ही। हमारे इंजीनियर्स के साथ मिलकर कोई मुशावरत करना चाहता है तो मतलब ये सिस्टम को चेंज करने के लिए मैंने थोड़े दिन पहले मेरी मिसबा फरीदुद्दीन साहब से एक चैनल पे बात हो रही थी, मैंने उनको मोस्ट वेलकम कहा था कि ये ब्लेम गेम से निकलिए, अगर आपकी गलती है तो आइए बैठिए, हमारी गलती है तो हम बैठेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, आ जाइए अपने इंजीनियर्स को ले आइए। देखिए हम क्यों मना करेंगे, हमें जब एक इदारे को हम बिजली दे रहे हैं मुसलसल दे रहे हैं, हालांकि वो पेमेंट नहीं कर रहा हमें, हम दे रहे हैं ना बिजली, हमने तो बिजली देने से मना नहीं किया। अब अगर उस पर कोई उनकी तरफ से प्रॉब्लम है जो हम उनको मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि आपके खस्ता हाल केबल्स हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके खस्ता हाल केबल्स की वजह से हमारे सिस्टम में ट्रिपिंग आती है, जिसको आप ब्लेम गेम देते हो कि एसी का सिस्टम ट्रिप कर गया, तो उसमें मेरा क्या कसूर है, वो उसको ठीक क्यों नहीं कराते जब उनको एस्टिमेट दिया गया है। उस सिस्टम को चेंज करने के लिए उनका ये कहना है कि हम मुशावरत चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं। आइए मोस्ट वेलकम, कितनी मर्तबा हमने तो कितनी मर्तबा उनको लेटर भेजे, उन्होंने कितनी मर्तबा जवाब दिया। गुज़िश्ता कई दिनों से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी की वजह से यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज नजर आते हैं और वाटर बोर्ड इंतजामिया से उनका यही कहना है कि इदारों के दरमियान तसादुम की लड़ाई में आवाम का नुकसान न किया जाए, अगर केएससी की जानिब से उनको गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है तो टेबल टॉक करके या मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए, आवाम को जो पहले ही बिजली की अदम फराहमी की वजह से मुश्किल शिकार नजर आती है, पानी की अदम फराहमी की वजह से भी उनको मजीद मुश्किलात में ना घेरा।